आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा था 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर, जो कि संपन्न हो चुका है। और अब आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 5 बजे तक आंकड़े सामने आ चुके हैं। 57.45% मतदान हुआ है 5 बजे तक। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, सभी जगह के आंकड़े सामने आ गए हैं। पीलीभीत में 61.42% मतदान हुआ है। लखीमपुर में 62.45% मतदान हुआ है। सीतापुर में 58.30% मतदान हुआ है। हरदोई में 55.40% मतदान हुआ है। लखनऊ में 54.98% मतदान हुआ। उन्नाव में 56.68% मतदान हुआ। रायबरेली में 58.40% मतदान हुआ। फतेहपुर में 57.02% मतदान हुआ। बांदा में 57.48% मतदान हुआ है। यूपी में 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। 57.45% मतदान हो चुका है। तो अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, लखीमपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 62.45%, उसके बाद पीलीभीत में 61.42% मतदान हुआ है। तो आंकड़े सामने आ चुके हैं 5 बजे तक, और 6 बजे तक का समय है, और 6 बजे के बाद मतदान थम जाता है, लेकिन आंकड़े 5 बजे तक के सामने आए हैं अभी। सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं, और आज काफी दिलचस्प रहा ये देखना कि कहां से कितने मतदान होते हैं, क्या कुछ रहा पूरा दिन। और ये चीज हम जानेंगे हमारे संवाददाता से, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हमें अलग अलग जिलों की जानकारी देंगे। आज चुनाव काफी अहम था, और क्योंकि इसमें लखनऊ भी है जो कि यूपी की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो चुनाव है काफी दिलचस्प रहता है, कांटे की टक्कर रहती है कई बड़े चेहरों के बीच। और इसी पे हमारे साथ बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, आज का दिन जो कि काफी अहम था, चौथे चरण में मतदान था 9 जिलों की 59 सीटों पर, तो किस तरह से रहा आज का पूरा दिन और क्या कुछ देखने को मिला मतदान केंद्रों पर? देखिए शिखा, मैं आपको बता, मतदान बहुत आवश्यक है, पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से मतदान लगभग 54.35% लगभग रहा है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि राजधानी से मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो ये अपने आप में अचरज की बात रहती है। और चूँकि अगर राजधानी के मतदाता इतने जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर अन्य जिलों से हम कैसे इसका तुलना कर सकेंगे। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पीलीभीत और लखीमपुर, जहाँ पे मतदान 61.62% तक गया है, और राजधानी लखनऊ की बात करें तो 54% के लगभग मतदान हुआ है, तो अपने आप में सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है या जो आपकी चुनाव जो समिति है या जो सरकार है, प्रशासन है, उनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम कहीं ना कहीं अभाव रहा है, जिसके कारण लोगों में मतदान करती उतनी रुचि नहीं पाई गई। इसके अलावा कई एक कारण एक और भी है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों में हैं और दूसरे जिलों में काम करते हैं, और उनका अगर वोटर आईडी कार्ड उनका उस जिले का बना हुआ है तो यहाँ पर मतदान की संभावना कम रहती है, लोग आते नहीं है, आ नहीं पाते अपने व्यस्तता के कारण, तो ये कमी यहाँ भी मानी जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें भी एक पहल करने की आवश्यकता, अगर कोई आदमी अपने जिले से बाहर है और वो मतदान करना चाहता है, उसके मतदान करने की इच्छा है, तो किस तरह वो अपने मतदान का मत का प्रयोग कर सकता है, इसके लिए भी एक पहल करनी होगी, ये पर्याप्त में एक आवश्यक पहल होगी। जी, जो लापरवाही देखने को मिली है आज, जिस तरह से कई ऐसे मतदाता थे जिनका वोटर लिस्ट से नाम गायब रहा है, इस पे क्या कहेंगे? समय समय पर जो आपका निर्वाचन आयोग है या जो निर्वाचन समिति है वो हमेशा ये देखता है कि कैसे वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। समय समय पर कैंप भी आयोजित होते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया, क्योंकि अब आवेदन जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है सर्वर के माध्यम से, तो कई बार सर्वर काम नहीं करता, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, और जो BLO की जो भूमिका होती है, क्योंकि सरकारी अधिकारी इस भूमिका में लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो बिल्कुल मैं कहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कई सूचनाएं ऐसी आई हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड है उसके बाद भी उनका पर्ची में नाम नहीं है, जो नामावली होती है वोटर आईडी की उसमें नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलतियां यहाँ पर हुई हैं, उन गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि हमेशा भी विधानसभा चुनाव से पहले हो या निकाय चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके पहले तैयारियां निर्वाचन आयोग कराता है और तमाम तरह के कैंप लगते हैं, सरकारी स्तर पर भी लगते हैं और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं, जो संगठन है वो भी लगाते हैं अलग अलग माध्यम से कि वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर मिले और लोगों की पर्चियाँ मिले जिससे मत का उपयोग कर सके, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी पाई गई है जिसके कारण लोग अपने मतदान का उपयोग नहीं कर पाए हैं।
जी, जिस तरह से जो मतदाता थे काफी उत्साहित होकर मतदान केंद्र गए, वहां पे उनका नाम नहीं दिखा, वो काफी हताश हुए और उसके बाद उनको मतदान देने की अनुमति नहीं मिली, तो क्या इस बात का ध्यान चुनाव आयोग आने वाले चुनावों में रखेगा ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो? और अगर ऐसी गड़बड़ी बाकी के चरणों के चुनाव में देखने को मिलेगी तो उसके लिए कैसे सुधार किया जाएगा? क्या कुछ करना चाहिए इस मुद्दे को देखते हुए? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कई तरह की पहल होनी आवश्यक है। एक पहल तो सबसे पहले यहाँ पर यह होनी आवश्यक है कि जो व्यक्ति है, जो भी आपका मतदाता है, अगर वो अपने जिले से बाहर है, अगर उसका वोटर आईडी उस जिले का नहीं है और अगर उस जिले में है और उसको वोट देना है तो उसको अपने जिले जाना पड़ेगा, और अगर वो अपने जिले नहीं जा पाता तो अपने मत के जो अधिकार उससे वंचित रह जाता है, जो कि संविधान के अनुसार जो यहाँ का भारत का नागरिक उसका मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से वंचित रह जा रहा है, कारण ये है कि अपने कार्य व्यवस्था के कारण या जहाँ पर काम करता है उसी कारण वो अपनी जगह पर नहीं पहुँच पा रहे। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था चुनाव आयोग करनी होगी कि अगर कोई अपनी अपने जिले से बाहर है और वो मतदाता है तो कैसे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दूसरी जगह हम दिव्यांगजन और तमाम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था बनाए, सरकारी अधिकारियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था बनाए, ऐसे ही हमको अन्य लोगों के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए कि वो अगर दूर जिले में भी है तो अपने मत का उपयोग कर सके। वहीं अगर आपने जो कहा कि जो जिनका पर्चियों में नाम नहीं रहा, नामावली में नाम नहीं रहा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव आयोग की गलतियाँ हैं। कहीं ना कहीं जो लिस्ट छपी है या जो भी उस ऑनलाइन काम हुआ है, सर्वर में काम हुआ है, जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई थी, कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी उन लोगों का नाम नहीं रहा। और निश्चित रूप से अदालत तो होगी होगी, क्योंकि 5 साल में मौका आता है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र के महापर्व में अगर किसी को मत के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा तो निश्चित रूप में अपने आप में उसको हताशा होगी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन की है उसको भी अपनी पूरी तरह निभाना होगा अगर आपको आगे भविष्य में ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करना है। जी गौरव, 54.98% मतदान हुआ है 5 बजे तक, तो क्या लगता है इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी 1-8% की, और पिछले बार के चुनावों से इस बार के चुनावों में कितना बदलाव है? क्या ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं या फिर अगर ये कम रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि जो चुनाव इस बार हुआ है वो कोविड के समय में हुआ है। हालांकि पहले में देखा है पंचायत चुनाव के दौरान भी लगातार लोगों ने मत के प्रति उत्साह रहा, मतदान के प्रति उत्साह रहा, अभी हम देख रहे हैं लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे हैं, तो निश्चित से यहाँ पर लोगों के उत्साह की यहाँ पर अच्छा ही बोलना चाहिए कि बहुत बेहतर काम किया है। पर कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में 54.98 अभी हाल का प्रतिशत 5 बजे का है और बहुत बड़ी संभावना नहीं है, क्योंकि जो अमूनन जो मतदान प्रतिशत होता है वो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अमूनन हो जाता है, 6-5 बजे के बाद अमूनन कम ही लोग जाते हैं, कि जो भी मत का उपयोग करते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो उनका यही रहता है कि 5 बजे तक डाला है, तो 5 बजे का उम्मीद कम रहती है। अगर बढ़ता है तो 1-2% बनने की उम्मीद रहती है, पर यहाँ पर उम्मीद वो भी नहीं मानी जा सकती कि जो भी नमूनन जो 5 बजे तक के आंकड़े होते हैं यही आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर पिछले चुनाव की तुलना करें यहाँ पर, तो पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा था। अगर लखनऊ की बात करें तो यही बहुत कुछ मतदान का आंकड़ा रहा था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने की बात है। कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे बात कही है कि लोग बहुत बाहर भी हैं, इस तरफ भी चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए। गौरव, जिस तरह से कई बड़े चेहरे लखनऊ से उतारे गए थे हर दल की तरफ से, तो क्या लगता है सीधी टक्कर किसके बीच हुई है और किसकी साख दांव पे है? देखिए, साख की बात करें तो यहाँ पर कई नाम ऐसे रहे जो बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं जिनको दोबारा उतारा गया है, हालांकि उनकी सीटों में जरूर तब्दीली की गई है। अगर ब्रजेश पाठक की बात करें तो मध्य से चुनाव लड़े थे, अब वो कैंट से लड़ रहे हैं, सरकार में आपके विधि मंत्री और न्याय मंत्री रहे हैं। नीरज बोरा की बात करें तो उनको दोबारा उत्तर में बीजेपी ने आजमाया है, और आशु टंडन जो कि नगर विकास मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हाल में ही आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण सीट सरोजनी नगर जो सबसे आखिरी में फाइनल हुए, जिसके प्रत्याशी सबसे आखिरी में उतारे गए हैं, जहां पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह और या फिर दयाशंकर सिंह, इन दोनों में किसी को टिकट मिल सकता है, पर सारे यहाँ विवादों को खारिज करते हुए यहाँ पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं राजेश्वर सिंह, जिन्होंने हाल में ही बीआरएस लिया था, उनको यहाँ उतारा गया है। तो निश्चित रूप से सभी दिग्गजों की दाव जो है, जो साख है वो दाव पर है, और होना भी चाहिए। लखनऊ की 9 जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, और राजधानी लखनऊ में परचम फहराना कौन नहीं चाहेगा। हमेशा अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों में जीत मिली थी और 1 सीट सपा के खाते में गई, तो निश्चित रूप से बीजेपी भी चाहेगी कि ये पुनरावृत्ति हो और दोबारा हम लखनऊ में 8-9 सीटें जीते, तो समाजवादी पार्टी का भी अपना यही रुझान होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना परचम लहराएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। तो लखनऊ में मतदान के आंकड़े 5 बजे तक के सामने आ चुके हैं और अभी भी
आंकड़े आने बाकी हैं, जो 6 बजे तक मतदान का समय सीमा थी और 6 बजे बज चुके हैं, पूरा हो चुका है समय, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी आने बाकी हैं और 5 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं। सभी जगह से आंकड़े आ चुके हैं। जिन 9 जिलों में आज मतदान हो रहा था, 5 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 57.45% आंकड़े सामने आए हैं 5 बजे तक। पीलीभीत, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बांदा, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, और देखा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में मतदान हुए हैं। पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, फतेहपुर, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, आज चौथे चरण में मतदान हुआ है लखीमपुर में, तो किस तरह देखते हैं आज मतदाताओं में जितना उत्साह देखने को मिला, तो क्या उस हिसाब से प्रतिशत जो सामने आए, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है लखीमपुर में ही मतदान हुए, तो क्या और ज्यादा अच्छे से हो सकते थे मतदान? जो आज चौथे चरण का मतदान हुआ है, बिल्कुल, जो मतदाता है वो उन्होंने एक पर्व की तरीके से इसको जो देखा है, पर्व की तरीके से देखने के बाद में जो मतदाता सुबह से ही जागरूक थे, बराबर बूथों पर जाकर के, बाकायदा बूथों पर अगर देखी जाए तो भीड़ की तरह लगी हुई थी सुबह से अभी शाम 6 बजे तक। अभी जिस बूथ पर हम मौजूद है, भूपतपुर के बूथ पर मौजूद है, जो यहाँ पर सुबह से अभी 6 बजे तक जो बराबर वोटिंग हुई है, लोग पूरे उत्साह के साथ आए हुए उसके और वोट डाले हैं जी। तो अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज जनता ने वोटिंग करी है, और जिस तरह से मतदान केंद्रों पे सुबह सुबह भीड़ देखने को मिली, तो क्या लगता है जनता कितनी जागरूक रही है और सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा है, किसने सबसे ज्यादा जागरूक किया इस बार जनता को? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी के जो जनता है उसको अगर वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा जागरूक देखा जाए, तो जो जिला अधिकारी के द्वारा जो बराबर सोशल मीडिया पर और बराबर लोगों को जागरूक किया जा रहा था, बराबर लोगों के घर में निमंत्रण पत्र भी भेजे गए कि आप लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें, पूरी तरीके से समय को ध्यान में देखते हुए, पहले मतदान उसके बाद में जलपान, ये जो नारा था जिलाधिकारी का, उससे जो लोग पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित के बाद में जो देखने को लखीमपुर में सबसे ज्यादा लगभग प्रतिशत में मतदान हुआ है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। तो मतदान पूरा हो गया, काफी उत्साह देखने को मिला पूरा दिन मतदाताओं में, वो चाहे महिलाओं हो, युवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, सभी में एक उत्साह देखने को मिला, क्योंकि ये जो पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बात करी जाए फर्स्ट टाइम वोटर की, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला और काफी खुश नजर आए हैं सभी जिलों से सभी मतदाता। वहीं बात करी जाए व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या फिर विवाद की कोई खबर सामने नहीं आई, शांतिप्रिय तरीके से पूरा मतदान आज का संपन्न हुआ है। हाँ, कुछ जगह गुस्सा देखने को मिला, कुछ जगह हताश नजर आए हैं कुछ मतदाता, लेकिन अगर कहीं पे कुछ परेशानी हुई है तो उसका निवारण करने का आश्वासन भी दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, और कहीं कहीं पे लापरवाही भी देखने को मिली है अधिकारियों की, जिसकी वजह से काफी हताश भी नजर आए कुछ मतदाता, लेकिन उसका निवारण नहीं हो सका। और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगले चरण के चुनाव में इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा, क्योंकि इस बार पिछले 3 चरणों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि कहीं से किसी मतदाता का नाम लिस्ट से गायब रहा हो, लेकिन जिस तरह से आज खबरें एक के बाद एक हर जगह से सामने आई हैं, ये सही में हैरान करने वाली हैं कि एक जगह नहीं, कई जगह से ऐसी खबर सामने आई है, अलग अलग जिले से भी ऐसी खबर सामने आई है जहां मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब रहा है, जिसके बाद वो काफी नाराज भी नजर आए मतदाता। और आंकड़ों की बात करी जाए तो 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत आपके स्क्रीन पर है। पीलीभीत में 61.42% मतदान 5 बजे तक संपन्न हो गया है। हरदोई 55.40%, रायबरेली 58.40%, लखीमपुर में 62.45% मतदान हुआ है 5 बजे तक, लखनऊ में 54.98% मतदान हुआ, फतेहपुर में 57.02% मतदान, सीतापुर में
58.30% मतदान हुआ है, उन्नाव में 56.68% मतदान हुआ, बांदा में 57.48% मतदान हुआ है। तो मतदान में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा लखीमपुर में मतदान हुआ है और उसके बाद पीलीभीत में मतदान हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, आज पूरा दिन जो भी मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है सभी जगह, क्या कहेंगे पिछली बार से इस बार के चुनाव में क्या कुछ अलग देखने को मिला? देखिए, कहा जाए कि पिछली बार के चुनावों को अगर हम 2022 के चुनाव को देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सभी जगह यानी फतेहपुर जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है, जिसके लिए अगर कहा जाए तो हमारे जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन तो बहुत ही सख्त रहा है, क्योंकि जो एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बूथ के अंदर मास्क लगा के जाना है, इसके बाद किसी भी मोबाइल सेट को बूथ के अंदर नहीं ले जाना है, तो ये एक जरूर नई चीज निकल कर आई है जो पूरी तरीके से लोगों को भी एक आकर्षित भी किया है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच जाते थे बूथों के अंदर पहले के चुनावों में कि जिसमें कि बूथ कैप्चरिंग या फोटोग्राफी ये ऐसे सारे सवाल निकल करके आते थे, ऐसे सारे मामले निकल करके आते थे। तो ये एक जो सरकार ने ऐसा ये कदम उठाया है गाइडलाइन का, तो उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र है सरकार जी। जिस तरह का उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में और कहीं कहीं पे नाम भी गायब रहा है, तो उसको देखने के बाद क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो मतदाताओं के सामने कि उनका लिस्ट से नाम गायब हो गया, तो वो परेशान जरूर हुए जी। पर अब अगर ये कहा जाए कि इस परेशानी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो ये तो जो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन का जो ये तरीके से कहा जाए कि दुरुपयोग हुआ है, तो वो एक सोचने के विषय है। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा, नहीं करते जी। जी, अगर बात करी जाए मतदाताओं की, तो कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आया और कौन सा वर्ग सबसे कम देखने को मिला है मतदान केंद्रों पे? अगर बात करी जाए महिलाओं की, युवाओं की, वृद्धों की, बुजुर्गों की, विकलांगों की, तो सबसे कम किसने अपनी भागीदारी निभाई है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने सवाल किया उसके परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कहना चाहूंगा। हेलो जी, अमरदीप जी, उसके परिप्रेक्ष्य में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वर्ग का, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी हर वर्ग की महिलाएं जी। हम किसी व्यक्ति विशेष या जात धर्म से नहीं का नाम नहीं लेंगे जी। पर ये इतना जरूर है कि हर वर्ग की महिलाओं ने इस मतदान में अपनी भागीदारी को निभाने की पूरी कोशिश की है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे फतेहपुर से। तो सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है और जिस तरह के मुद्दे थे सभी के, वो चाहे विकास को लेके हो, स्वास्थ्य शिक्षा को लेके हो, अलग अलग मुद्दे थे, रोजगार को लेके हो, या फिर सुरक्षा को लेकर हो, या फिर चाहे खुले जानवरों को लेकर हो जो फसलों को खराब कर देते थे, किसानों को जिनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता था, और ऐसे भी कई मुद्दे रहे हैं पिछले कुछ समय से जो काफी प्रभावित कर सकते हैं इस चुनाव को, वो चाहे किसानों के मुद्दे हो, किसानों को खाद नहीं मिली, लंबे समय से प्रदर्शन रहा, ये भी मुद्दा है। लखीमपुर की बात करी जाए तो लखीमपुर का तिकोनिया कांड, वो भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। रोजगार का मुद्दा, जिस तरह से प्रदर्शन होता रहा राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, तो तमाम चीजें देखने को मिली हैं जो प्रभावित कर सकता है विपक्ष को, जिसने मजबूती दी। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी पार्टी है भाजपा, तो अगर उसकी बात करी जाए तो उसने अपने स्टार प्रचारकों को जमीनी तौर पर उतारा, कई दावे वादे किए, अपने मैनिफेस्टो को पेश किया, अपने घोषणा पत्र को सामने लाकर जनता से वोट की अपील की। दावेबाजी अभी भी किए जा रहे हैं अगले चरण के चुनाव के लिए, तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं, और अभी समय बताएगा कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाती है। क्योंकि इस बार की राजनीति में एक चीज और अहम है, वो है फ्री वाली राजनीति। फ्री के जो वादे दावे किए जा रहे हैं, फ्री बिजली देना, फ्री राशन देना, और जिस तरह से
तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये कुछ असर डाल जरूर सकता है इन चुनावों पे। चुनाव काफी अहम है और कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस बार के चुनाव में हालांकि सबसे इस बड़ा मुकाबला बीजेपी सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा का भी जोर देखने को मिल रहा है। दोनों ने भी काफी चुनाव प्रचार किया है, जनता के बीच अच्छी पकड़ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है और बाकी जो अन्य पार्टियां भी हैं उनकी वजह से वोटों का बिखराव जरूर होगा, मुद्दों का भी असर पड़ेगा, तमाम चीजों का असर पड़ेगा। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन ने किया मतदान। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा पहुंचकर किया मतदान, बजरंग इंटर कॉलेज में परिवार सहित किया मतदान। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पैतृक घर है बांदा में, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने नजदीकी बूथ में जाके मतदान किया। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन ने किया मतदान। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा पहुंचकर किया मतदान, बजरंग इंटर कॉलेज में परिवार सहित किया मतदान। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पैतृक घर है बांदा में, बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन ने मतदान किया, उसके बाद जनता से वोट की अपील भी की और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस मजबूत स्थिति में पा रहे हैं, क्या सरकार बनाने जा रहे हैं आप जी? सीटों का अभी सीटें जो है थोड़ा सा चौथा राउंड है, तीन राउंड और बाकी है, हो जाने दीजिए, सीटें भी बता देंगे। हम सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। जनता को सीधा संदेश ये है कि इस देश को कांग्रेस ने ही संभाला है, इस प्रदेश को कांग्रेस ने ही संभाला है। व्यापारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में, महिलाओं के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, रोजगार देने के लिए अगर कोई संभाल सकता है, भाईचारा पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस प्रदेश और देश को और बांदा को बढ़ा कोई सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस मीडिया प्रभारी, मीडिया सेल के चेयरमैन ने मतदान किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और देश के हर तबके के लोगों के लिए चुनाव लड़ रही है और एक मजबूत पार्टी है। लखनऊ में मतदान की प्रक्रिया जारी, टीले वाली मस्जिद के मौलाना ने किया मतदान, मौलाना फलजे मन्नान रहमानी ने डाला बूथ, हुसैनाबाद घंटाघर में बने बूथ पर किया मतदान। लखनऊ में मतदान की प्रक्रिया जारी, टीले वाली मस्जिद के मौलाना ने किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, वोट डालने पहुंचे बीबीडी ग्रुप चेयरमैन विराज, बहन सोनाक्षी दास और मां के साथ पहुंचे चेयरमैन, पीजी कॉलेज में विराज सागर दास ने डाला वोट, विराज सागर ने परिवार समेत किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, वोट डालने पहुंचे बीबीडी ग्रुप चेयरमैन विराज सागर दास, बहन सोनाक्षी दास और मां के साथ पहुंचे चेयरमैन। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर हंगामा,
महाराजा बिजली पासी मतदान केंद्र पर हंगामा, लिस्ट में नाम ना होने से लोगों में आक्रोश। वोट डालने आए लोगों ने लगाया गंभीर आरोप, आईडी कार्ड होने के बावजूद भी नहीं डाल पाए वोट। पर्ची जमा करने के बाद भी नहीं डालने दिया गया वोट। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर हंगामा, महाराजा बिजली पासी मतदान केंद्र पर हंगामा, लिस्ट में नाम ना होने से लोगों में आक्रोश। वोट डालने आए लोगों ने लगाया गंभीर आरोप। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।